नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम आपके लिए मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होंगी, और साथ ही पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और फ्रेंड्स, आप हमें फीडबैक जरूर दिया करो जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताया करो कि हाँ ये कमी है, तो इस कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है, कोई सेट है ए जिसमें बोल रहा है आपके तीन एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी मान लो। एक और सेट दे रखा है जो है आपके सामने सेट बी, जिसमें आपके छः एलिमेंट हैं। अब वो अपनी तरफ से आप कुछ भी ले लीजिए, तो मैं लेता हूँ। चलिए जैसे मान लेता हूँ सेट ए में क्या है, ए बी सी, और सेट बी, सेट बी में मान लिया मैंने उसने बोला सिक्स एलिमेंट है, तो अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये मान लीजिए। या इसकी जगह कोई भी सेट मान लीजिए, ऐसा सेट मान लीजिए जो डिसजॉइंट हो, इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखता। जैसे मान लो वन टू थ्री, मान लो वन टू थ्री फोर सिक्स तक मान लीजिए। आप इनका यूनियन निकालेंगे तो देखो क्या यूनियन आएगा। अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो मिनिमम कितना आ रहा है? सिक्स आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? सिक्स आएगा। अगर यहाँ पे ए को नहीं लेते, आप यहाँ पे एफ के बाद जी लिख लेते हो, तो मतलब मिनिमम कितने होंगे इसी में एलिमेंट अगर यूनियन निकालेंगे ए और बी का, तो मिनिमम सिक्स होंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नाइन हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि थ्री इसके और थ्री इसके। जब आपके सामने कोई सेट ऐसे दे रखे हों कि ये सेट तो दे रखा है ए बी सी तीन एलिमेंट का, और एक दूसरा सेट दे रखा हो जैसे वन टू थ्री ये सिक्स तक का, तो सिक्स एलिमेंट प्लस थ्री एलिमेंट कितने हो रहे हैं? नाइन एलिमेंट। अगर यूनियन निकालेंगे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें एलिमेंट? नाइन आ सकते हैं, नाइन से ज़्यादा नहीं आएंगे। और मिनिमम कितने आ सकते हैं? सिक्स आ सकते हैं। तो आपके सामने ऐसा एक ही ऑप्शन है जो आपके सामने दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मिनिमम सिक्स भी हो सकते हैं, सेवन हो सकते हैं, एट हो सकते हैं, और मैक्सिमम नाइन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं, ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है वन। हमेशा ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो गाइस देखिएगा, अगर मैं इस कंडीशन को लिख देता हूँ थ्री पावर थर्टी थ्री लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूँ थ्री थर्टी थ्री मतलब नाइन्टी नाइन हो गया। नाइन्टी नाइन इंटू कर देता हूँ ओमेगा, तो क्या बन जाएगा? हंड्रेड हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ तो थ्री की पावर थर्टी थ्री, और यहाँ कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए गाइज, मैंने आपको जैसे कि बताया था ओमेगा क्यू की वैल्यू वन होती है, तो ये वन बन जाएगा, तो वन प्लस इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा? ओमेगा, ओमेगा प्लस इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली जानते हैं क्या होती है? जीरो के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा गाइज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। बाइनरी सिस्टम में आपसे पूछ रहा है, बाइनरी पद्धति में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए, जब भी बाइनरी नंबर की बात होती है, बाइनरी नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ये आपके सामने दे रखा है, इसे टू से डिवाइड करेंगे, और टू से डिवाइड किया तो हमारे पास एक शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे लिखते जाते हैं गाइस। यहाँ लिख लिया हमने वन, अब देखो फिर इसे टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ जीरो शेष आएगा, कुछ शेष नहीं आ रहा। ऐसे अब फिर टू से डिवाइड किया हमने तो क्या आएगा? यहाँ भी जीरो शेष आएगा, कुछ भी शेष नहीं आ रहा। तो यहाँ फिर टू से डिवाइड किया तो यहाँ से वन शेष आ रहा है, तो अलग लिख लिया हमने। सबको ऐसे ही करने के बाद कर सकते हैं, टू से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बनेगा नंबर। अब ये कैसे लिखा देखिएगा, हम क्या करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन और फिर डबल जीरो वन। तो ये कंडीशन ये आती है आपके सामने, तो इसे लिख देते हैं टू। बाइनरी के लिए हमें बाइनरी बाइनरी नंबर निकालते हैं किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, कोई भी डिजिट दे रखी हो, अगर उसका नंबर निकालते बाइनरी तो हमेशा वन और जीरो की फॉर्म में होता है। और यही फॉर्म आपके बता दूं आपको, कंप्यूटर के अंदर यही फॉर्म चलती है, वहाँ पे आपके सामने वन और जीरो के अलावा कुछ भी नहीं चलता, वन और जीरो ही चलते हैं सिर्फ, और सिर्फ और कुछ नहीं चलता। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसके रूट क्या होंगे, इसके मूल क्या निकलेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे मूल, अगर इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, तो बस वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा वाले अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, सेम वही कंडीशन अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। चलिए कैसे, तो चलिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वेशन दे रखी है हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से इसे ब्रेक करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ किया क्या है मैंने, ये देखना है आपको।
हमने यहाँ पे किया गाइस अपनी तरफ से यहाँ पे क्यू ऐड किया है और क्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है। देख सकते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से क्यू ऐड किया है और यहाँ से क्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया है। बाकी का जो लिखा हुआ है बीच में यौ खत्म लिखा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। अब इसे हमने ब्रेक किया है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन ले रहे हैं कॉमन लेने के बाद आपके सामने इस टाइप की इक्वेशन बन के आती है। साथ ही देख लीजिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, या कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे बात करूँ दो इस तरीके से, इनकी वैल्यू जीरो कब हो सकती है, इनकी जीरो वैल्यू एक ही कंडीशन में हो सकती है। कैसे, या तो यहाँ पे एक जीरो सॉरी ए जीरो होगा, यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू जीरो होगी तब इसका आंसर जीरो आ सकता है, या फिर बी की वैल्यू जीरो होगी तब यहाँ पे जीरो आ सकता है। क्लियर, तो बस देख लीजिए पहले हमने क्या मान लिया, अगर ये जीरो है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन निकल के आती है। चलो अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है। तो उसने यही पूछे थे रूट क्या निकलेंगे, तो ये रूट निकल के आ चुके हैं पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू माइनस आर। तो गाइज आपका यहाँ आंसर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट होगा गाइज, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर निकल के आ रहा था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे किसी अष्टभुज क्षेत्र में विकर्ण की संख्या होती है, मतलब अष्टभुज क्षेत्र दे रखा है, जैसे समभुज होता बहुभुज होता है उसी तरीके से बोल रखा है, उसकी साइड दे रखी है, अष्टभुज में आठ भुजाएं होती हैं, तो पूछ रहा है विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो चलिए कैसे करेंगे गाइस, इसका फॉर्मूला होता है आपके सामने एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू, जब आपसे पूछा जाए विकर्णों की संख्या। तो एन क्या है यहाँ पे, बहुभुज, अगर बोल रखा है अष्टभुज तो एन की वैल्यू आठ हो जाएगी, अगर बोलता है षष्ठभुज तो एन की वैल्यू सिक्स ले लेंगे, तो उसने अष्टभुज बोला तो एट ले लीजिए, यहाँ एट लेंगे एन की वैल्यू, तो यहाँ एट माइनस थ्री करेंगे तो क्या निकलेगा फाइव, तो एट इंटू फाइव अपॉन में टू, टू से डिवाइड किया तो फोर टाइम्स, और फोर और फाइव का मल्टीप्लाई किया तो 20। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए गाइस यहाँ पे बात करें आपके सामने तो ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक पुरुष और तथा उसकी पत्नी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं कहीं, तो उसने बोला है कि एक बस है उसमें खाली सीट है आपकी पाँच, तो वे कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, पाँच सीट पड़ी हैं खाली, उनमें उन पर वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए तो देखिए गाइस पांच सीटें हैं खाली, उसमें पुरुष के बैठने की क्या हो सकती है कंडीशन, क्योंकि एक ही पुरुष है तो पांच सीट पर, तो क्या होगा इस तरीके से बैठ सकते हैं। क्लियर, अगर यही बात करें कि अब देखो पांच सीट थी, पांच में से एक पर पुरुष बैठ गया तो एक भर जाती है, यहाँ पे कोई भी एक पर बैठा होगा वो तो एक भर जाती है, ऐसा तो नहीं पांचों पर बैठ जाएगा, तो अब बचेंगे चार, अब कितने बचेंगे चार सीटें बचेंगे, चार सीट पर वो पत्नी बैठेगी तो कहीं भी बैठ सकती है, तो इसकी कंडीशन ये होती है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप बोलेंगे पहले स्त्री को क्यों नहीं बैठाया, पत्नी को क्यों नहीं बैठाया, तो पत्नी को बैठा देते हैं, हमारा क्या है, चलिए बैठाते हैं कैसे, पत्नी को बैठाएंगे तो पाँच सीटें थी, पत्नी एक है तो भी यही कंडीशन बनेगी, और बचेंगी चार सीटें, उसमें पुरुष बैठना है, पुरुष कहीं भी बैठ सकता है, तो चार सीटों में से कहीं भी बैठ सकता है, तो ये कंडीशन कर लो तभी भी आपका आंसर क्या आएगा 20 ही आएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आता है 20। चलिएगा नेक्स्ट बात कर रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, चलिए कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो हमने क्या इस तरीके से इसे लिख लिया। अब लिख सकते हैं फोर की पावर टू, तो फोर की पावर टू लिख सकते हैं, तो लिख लिया हमने, तो टू बाहर आ जाता है आपके सामने, ये पता है आपने लॉग लॉग में फॉर्मूले होते हैं, कई याद कर लीजिएगा, लॉग में फॉर्मूले याद हैं तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे, लॉग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे लॉग वाले। तो चलिए लॉग वाला हमने इस तरीके से निकाल लिया, ये निकल के आती है हमारे पास कंडीशन। अब बात करेंगे आप, ये कंडीशन आती है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो बाकी का देखो अभी ये यों को लिखा हुआ टू हमने बाहर कर लिया है, तो आपको बता दूँ गाइस जब भी आप बेस को, जैसे आपके सामने लिखा हुआ यहाँ ए और यहाँ बी, कभी भी आप बी को यहाँ लाना चाहते हो ए को यहाँ लाना चाहते हो तो क्या हो जाता है, देखिएगा समझिएगा, इसको पलटते हैं तो हम माइनस का साइन आगे आ जाता है, माइनस का आ जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ बी हो जाता है, यहाँ ऊपर ए, तो इस तरीके से बेस ये बदल जाता है, तो बदल लीजिए, हमने क्या किया यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, इस तरीके से बदल दिया, फोर को नीचे पहुँचा दिया, सेवन को ऊपर ले लिया। अब ऐसा क्यों किया गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ऐसा इसलिए किया है, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ कि हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है तो इसलिए हमने यहाँ चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू एक्स पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है माइनस का टू एक्स, तो वैसे आपका आंसर आ रहा है माइनस का टू एक्स, तो आपको इसी का पुट करना पड़ेगा माइनस का टू एक्स, ऑप्शन नंबर वैसे कोई करेक्ट नहीं हो बैठ रहा है इसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है, इसमें बोल रहा है आपसे इसका क्रम क्या है। तो गाइस क्रम पूछे कभी भी तो क्या होता है, आर सी, आर सी, आर मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आर सी, आर क्रॉस सी, आर कितनी मतलब रो कितनी इसमें, दो हैं, सी कितनी कॉलम कितने हैं इसमें, तीन हैं। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसकी डिटर्मिनेंट दे रखा है, सॉरी मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स के सारणिक का मान, मतलब एक मैट्रिक्स दे रखा है इस तरीके से बोल दिया, अगर ये मैट्रिक्स बोल देता है इसे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये इस तरीके से कर देते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए कैसे करेंगे, तो देखिएगा गाइस कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है नाइन, तो नाइन इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 70 आ गया, माइनस 8 का मल्टीप्लाई जीरो से किया तो जीरो, माइनस ये जीरो लिया, बाद में कुछ भी ले लो जीरो की मल्टीप्लाई वो तो जीरो ही आएगा, प्लस यहाँ पे जीरो ले लिया क्योंकि यहाँ जीरो दे रखा है तो भी वही आएगा, तुम्हारे पास ये यही कंडीशन बचती है केवल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा, 630। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 10th, इसमें आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलिए करते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसे। तो देखिएगा जी आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आर टू मतलब सेकेंड रो के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड रो मतलब आर टू, ये है आर थ्री, ये है आर वन, तो हमने क्या किया, आर टू की जगह पुट करेंगे क्या, आर टू माइनस आर वन, मतलब आर टू में से आर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसकी जगह पुट करेंगे, आर टू की जगह पुट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या ले रखी, आर थ्री की जगह पुट करना है हमें आर थ्री माइनस आर वन, तो देख लीजिए वन में से वन गया जीरो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आर टू में से आर वन को घटा रहे हैं, तो वाई में से एक्स गया तो इस तरीके से, जेड प्लस एक्स में से माइनस करेंगे हम वाई प्लस जेड को, तो ये कंडीशन आती है। सिमिलरली ऐसे करेंगे, आर थ्री की जगह आर वन को घटाया आर थ्री से, तो ये कंडीशन आती है आपके सामने। अब ऐसा क्यों किया गाइस, क्योंकि हमें यहाँ जीरो चाहिए थे, क्योंकि जीरो चाहिए होते हैं तो अब क्या करेंगे, वन लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, वही आपका आंसर निकल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा कर लिया है। अब देखो हम यहाँ करेंगे ऐसे ही, ये दे रखा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया आपस में, सबका मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया, तो मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये माइनस का, ये प्लस का, सब कट गया आपस में, तो क्या आया आंसर, जीरो आया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं कि वन ले लो, उसके बाद हम वाई का मल्टीप्लाई इससे कर लो, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लो माइनस, फिर एक्स ले लो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी चाहे वैसे कर लो। हमने यहाँ इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आई क्या है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आया, किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने ये, तो कैसे करेंगे सॉल्व गाइज, आपने ये कंडीशन तो पढ़ी होगी आपने, जब होता था आपके सामने साइन ए प्लस साइन बी, तो आप क्या करते थे टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, इस तरीके से कुछ करते थे वही कंडीशन। तो देख लीजिए ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो अब क्या कर रहे हैं, जो ए वाली कंडीशन होती थी वो बड़ी होती थी, और बी वाली कंडीशन क्या होती थी, छोटी होती थी, बस वही अप्लाई कर दिया हमने, ए प्लस बी कर लिया और ए माइनस बी कर लिया। तो कॉस में गाइज माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके सामने कॉस में वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, जैसे मान के चलो इस तरीके से 90 माइनस 120 इस तरीके से दे रखा है अगर कॉस में, तो इसे पलट के आप ये भी लिख सकते हो 120 माइनस 90, क्योंकि माइनस का प्रभाव कॉस पर नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने बोलूँ, अगर कॉस के अंदर लिखा हुआ है माइनस थीटा, तो इसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही कंडीशन आ जाती है आपके साइन के अंदर इस तरीके से आ जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तब बनेगा आपका साइन थीटा, क्लियर। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, कॉस पर और सेक पर प्रभाव नहीं पड़ता, कॉस और सेक, लेकिन बाकी के जितने भी बचते हैं आपके, साइन बचता है, टेन बचता है, कॉट बचता है और कॉसेक बचता है, उन सभी पर माइनस का प्रभाव पड़ता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप पलट के रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी रख लो इसे। यहाँ से आपने टू से डिवाइड कर लिया, जो बच रहा है आपके सामने कंडीशन आती है, जिनकी वैल्यू आपको आती है वो वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, आप जानते हैं साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। जैसा कि आप जानते हैं साइन, इसमें साइन और कोसेक, कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं,
ये आपको पता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ हो गया प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आया। अब कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो 2 से 2 काट दिया, तो हमारे पास बचता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आया आपका 0। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, हमने कैसे किया, इसमें पूछ रहा है आपसे 10x/10y की वैल्यू क्या आएगी। तो आपने ब्रेक कर लिया जब आपके सामने होता था साइन ए प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला ब्रेक कर लिया, और नीचे क्या है साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला ब्रेक कर लिया हमने। तो ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे आएगा, ये कंडीशन आती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको करना होगा गाइस योगांतरानुपात, आप जानते हैं योगांतरानुपात क्या होता है, इसे मान लो एक्स, इसे मान लो टोटल को वाई, कुछ भी मान सकते हो, जैसे करते थे ना कि न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जो कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही कंडीशन हमें, जो कंडीशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वही आप राइट हैंड साइड में करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी क्या करेंगे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो क्या बचेगा 2a, और यहाँ से क्या आएगा इस तरीके से आएगा, क्लियर। अब फिर क्या किया हमने, अगले आगे किया है हमने न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ क्या किया न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी करेंगे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो देखो ए से ए कट गया तो क्या आया नीचे 2a आया गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आप 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या बनेगा, साइन और कॉस को लेंगे तो क्या बनेगा 10x बनेगा, इस तरीके से ले लिया क्या बनेगा 10y बनेगा, तो आपकी वैल्यू क्या जाती है a अपॉन बी। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, एक मीनार के शिखर पर 6 मीटर क्या है, ध्वज खंड खड़ा हुआ है, ध्वज दंड है ऊपर एक मीनार के ऊपर। अब उसने कहा है कि उसकी परछाई, तो जाहिर सी बात है मीनार के ऊपर है तो भाई उसकी परछाई मीनार के ऊपर ही ले लेते हैं हम, चलो इस तरीके से उसने बोला है 2, क्योंकि उसने कहा है कि परछाई की लंबाई, और परछाई की लंबाई कभी आपको पता हो तो बता दें आपको, परछाई की लंबाई कभी ऐसे तो लेगा नहीं कि मीनार के ऊपर झंडा खड़ा है तो मीनार के नीचे से लेंगे उसकी परछाई नाप के, नहीं, हमेशा परछाई कैसी ली जाती है, जैसे उसने डंडे की पूछे परछाई बोल रखी है, जैसे मान लो मीनार है यहाँ पर कोई मानते हैं एक तरह से, इस तरीके से जैसे मान लो ये मीनार है यहाँ पे कोई ध्वजखंड है इस तरीके से, ध्वज दंड है, इसकी परछाई बोल रहा है, तो इसकी परछाई उसके आधार से ही लेंगे ना, कभी आप ऐसा तो नहीं लेंगे कि वहाँ से यू लेने के बाद आप यहाँ से परछाई ले रहे हैं, क्योंकि तो मीनार की परछाई भी आएगी इसमें, तो आप क्या लेंगे इस तरीके से इसकी परछाई लेंगे केवल, क्लियर। तो ये एक परछाई लेंगे यहाँ पे, तो उसने बोला परछाई की लंबाई क्या है आपकी 2√3, तो आपसे बोल रहा है कि जमीन से साथ में कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, एंगल क्या बनेगा। चलो गए सीधा कर लेते हैं डायरेक्टली, हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है ये दे रखा है, आधार क्या है ये है, तो हमने निकाल लिया ऐसे, आप जानते हैं तो ये निकल के आती है आपकी वैल्यू √3। √3 कैसे आया, देखो 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स कटेगा, इस तरीके से आया। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आप √ चढ़ जाएगा, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू √3, और √3 टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है आपके 60 की, तो थीटा की वैल्यू 60 आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, उस सरल रेखा का समीकरण, मतलब एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, उसने बोला है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से होकर पास हो रही है, और उसकी ढाल दे रखी है आपके सामने, ये ढाल का मतलब m की वैल्यू ये दे रखी है क्या 4/7। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो देख सकते हैं गाइज हमने मान लिया एक लाइन की इक्वेशन अपनी तरफ से लेट कर लिया, जैसा कि आप जानते हैं जनरल इक्वेशन आपके सामने क्या होती है इस तरीके से, ये हो गई आपकी जनरल इक्वेशन, क्लियर। तो देखिए उसने ढाल आपसे बोल रखा था, ढाल मतलब m की वैल्यू क्या बोल रखी है उसने 4/7, तो 4/7 हमने यहाँ पुट कर दिया है, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। अब क्या करेंगे आप, इस पॉइंट से होके पास करा देंगे, अब इस पॉइंट से पास कराएंगे मतलब एक्स की वैल्यू -1 पुट करना है, वाई की वैल्यू -2, तो मतलब इस इक्वेशन में -1 करना है एक्स की वैल्यू, और -2 पुट करना है आपको वाई की वैल्यू। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो सी की वैल्यू आपके सामने निकल के आ चुकी है, तो इक्वेशन फर्स्ट, अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब सी की वैल्यू भी पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो चलिए हमने सी की वैल्यू पुट किया, तो ये कंडीशन आती है, एलसीएम वगैरह लेके बाद इस ये कंडीशन आती है आपके सामने, आप 7 को यहाँ पहुँचा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, ये कंडीशन आ जाती है आपके सामने। अब आप क्या करेंगे 10 को इधर पहुँचाएंगे प्लस में, तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाती है, आंसर आया आपका
7y + 10 = 4x। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो गाइज आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे, दो समांतर रेखाएं दे रखी जिनकी इक्वेशन दे रखे हैं आपके सामने, ये इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब आपके सामने दो इस तरीके से हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है क्या है। चलिए कैसे करेंगे फाइंड, इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो देखिए गाइज, कभी भी आपसे कहता है कि कोई दो समांतर रेखा है या आपको पता करना है कि ये किस टाइप की रेखाएं हैं, मतलब सिंपली बात समझिए, जब कभी भी आपसे पूछता है कि ये किस प्रकार की लाइन है या किस प्रकार की रेखा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? कभी भी मतलब जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो, किस दोनों इक्वेशनों में से किसी में भी कर लो, किसी भी में भी कर लो, कि इनके कोफिशियंट जो हैं एक्स और वाई के इक्वल हो जाएं कैसे भी। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन देखिए समझिएगा, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो जैसे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आती है आपके निकलने के बाद, और ये नीचे वाली जो कंडीशन दे रखी है वो आपकी सेकंड इक्वेशन ही हो कहते हो है ही। तो देखिए एक्स के कोफिशियंट और वाई के कोफिशियंट बराबर हो जाते हैं, कभी भी आपके एक्स और वाई के कोफिशियंट बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो वो हमेशा क्या होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं वो लाइन। कभी भी आपको पूछ रहा हो, कभी भी आपको बताना है तो ऐसे बता सकते हैं कि अगर आपके सामने दो लाइन दे दिए कोई भी, आपसे पूछा जाए कि समांतर हैं या परपेंडिकुलर हैं या संरेख हैं, ये किस तरह की लाइन है, तो आप बता सकते हैं। अगर आपकी इस टाइप की कंडीशन बनती है जहाँ पर आपका ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी, जहाँ पर आपके सी की वैल्यू अलग अलग हों और ए और बी की वैल्यू दोनों इक्वल हों, तो वो क्या होती है, हमेशा समांतर होती हैं। अगर ए और बी ये तो इक्वल हों और साथ में सी की वैल्यू भी इक्वल आ जाती है, तो ये क्या होती है गाइस, संरेख होती हैं। क्या होती हैं, संरेख होती हैं। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन बनती है तो उसे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या होता है, हमेशा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसने पूछा था हमसे दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशियंट इक्वल करने पड़ेंगे हमें, ये आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं, तो हमने कर लिया है गाइज। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये है d1 d2, इसे मान लो जाता है c1 c2, मतलब जो विदाउट जो कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट के लिए c1 c2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो और किसी को भी आगे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। क्लियर, इसलिए आप d1 को आगे रखो या d2 को आगे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपली क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। नीचे आप देख सकते हैं ये इक्वल क्यों किए, क्योंकि हमें क्या करना है, a का स्क्वायर, ये क्या है b, तो b का स्क्वायर, तो हमने पुट कर दिया, यहाँ 19/10 आता है आपका वैल्यू। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होता जा रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वृत्त की समीकरण दे रखी है, जिसने आपसे कहा है कि केंद्र के निर्देशांक और साथ ही आपसे पूछ रहा है त्रिज्या कितनी होगी, चलिए कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइज पेन कॉपी साथ में रखा करो, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करो, स्टॉप कर लिया करो या तो, और देखा करो कैसे आंसर निकल के आ रहा है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करा करो कि किस तरीके से आंसर आ गया, कैसे आया आंसर, हमसे पूछा करो, क्योंकि जब तक आप कुछ खुद से प्रश्न नहीं पूछोगे, खुद से सवाल नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाता गाइज। इन वीडियो को देखने से भी तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद सेल्फ तैयारी नहीं करेंगे। अच्छा टाइम है, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए दे रखा है जनरल इक्वेशन, आप जानते हैं जनरल इक्वेशन ये होती है जहाँ पर आपके जी और वाई, जी और एफ क्या होते हैं, यहाँ पे केंद्र होते हैं, ठीक है। तो बस कंपेरिजन करके हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं, ये निकल के आ जाती है, और ऐसे निकालता हूँ एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू निकल के आई है -3, और सेंटर क्या होता है माइनस का जी और माइनस का एफ, तो बस, तो माइनस का जी ये क्या है, प्लस का जी है, तो माइनस का जी करेंगे तो -2, यहाँ देखिए माइनस का एफ करूँगा तो देखो ये माइनस एफ, ये हो जाएगा +3, तो इस तरीके से केंद्र हो जाता है। और डी की वैल्यू आपके सामने दे ही रखी है ऑलरेडी यहाँ पे, तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या निकालने के लिए, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो आपकी त्रिज्या निकल के आती है 7 यहाँ से। क्लियर, केंद्र आपने निकाल ही लिया यहाँ से, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है, इसकी लिमिट पूछ रहा है गाइज, इसका वैल्यू पूछ रहा है, लिमिट दे रखी है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे गाइज, मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी करा चुका हूँ, और वही कंडीशन फिर आपके सामने आ जाती है, जैसे मान लो इसे जी एक्स, इसे मान लो एफ एक्स, ये कंडीशन याद रखिएगा गाइज, तो क्या बनती है ई की पावर जी एक्स। तो चलिए ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1,
तो जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, यही कंडीशन हमने यहाँ लगा दिया गाइज। इसे सॉल्व करूंगा अप्लाई करने के बाद, एलसीएम वगैरह लिया तो देख लीजिए एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचेगा यहाँ फाइव, ठीक है। तो फाइव बचा तो ये कंडीशन आती है आपके सामने निकल के ओवरऑल। तो ये निकलने के बाद, बाद में आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर फाइंड होकर आती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे ऊपर से और एक्स ही कॉमन लेंगे नीचे से। तो दोनों तरफ से एक्स कॉमन ले लिया तो देख लीजिए एक्स से एक्स कट गया। वह ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं अगर इसमें आपने लिमिट अप्लाई की तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा और ये कंडीशन क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये कंडीशन हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। अब आप बोलेंगे इन्फिनिटी तो फिर भी आएगा, लेकिन क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है फोर अपॉन एक्स। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर में, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, कैसा भी हो, अगर आप उसमें डिवाइड कर रहे हो इन्फिनिटी का, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। तो बस, तो जीरो बन जाएगा ये जीरो, तो ये जीरो बनेगा, साथ ही ये जीरो बन जाएगा, तो आप क्या बनेगा, यहाँ फाइव बचेगा ऊपर, तो e की पावर फाइव आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो गाइज आपको बता दूँ, यहाँ पर ये आपका अंडर रूट जो है, क्योंकि अंडर रूट अगर पूरे पे होता तो ये वन से वन कट जाता डायरेक्टली, और यहाँ क्या बचेगा एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ से वन आ जाएगा। लेकिन नहीं गाइज, ये अंडर रूट ये पूरे पर नहीं है, ये यहाँ तक है, ये बाई मिस्टेक उसने लिख रखा है इस तरीके से, ये यहाँ तक है केवल, ठीक है। चलिए, तो गाइज देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जहाँ x दे रखा है अपनी तरफ से लेट किया x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा यहाँ से टेन इनवर्स x निकलेगा, क्लियर। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे हमने जैसे पुट किया तो आपके सामने ये कंडीशन निकल के आती है, क्योंकि आप जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सेक स्क्वायर और अंडर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाती है आपके सामने। साइन कॉस में ब्रेक कर लिया हमने, तो साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद आपके सामने ये कंडीशन आ जाती है निकल के। तो यहाँ ये फॉर्मूला आप जानते हैं, देखो आपके सामने लिख भी रखा है मैंने फॉर्मूला, यहाँ देखो हमने पुट किया ये वाला फॉर्मूला ऊपर लगाया है, आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़ा है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर दिया, नीचे देखिए दूसरा इसमें क्या अप्लाई किया है, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री को आपको छोड़ना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है बीच में कि आप इसे नहीं करेंगे, भले ही इसका क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में अपनी टांग देता ही ज़रूर है। जैसे कि आपका इंटीग्रेशन में आता है, डिफरेंशिएशन में आता है, कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस में आता है, कहीं भी कूद जाता है ये, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप तैयारी कर रहे हो। चलिए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितना हो सकता है याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री तभी आसान लगेगी आपको जब फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से साइन से एक साइन कट गया, यहाँ से बचेगा आपका इस तरीके से, तो टेन से टेन हटा तो थीटा अपॉन टू, और थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने माना था टेन थीटा माना था आपने एक्स की जगह, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे क्या निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, तो बस थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे, जो कि आपके सामने इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ आप इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं टेन इनवर्स का और टेन इनवर्स के रेस्पेक्ट में ही करना है आपको, उसने क्वेश्चन में कहा था आपसे टेन इनवर्स के रेस्पेक्ट में करना है। देख लीजिए गाइज, इसे मान लो कुछ भी मान लो, इसे वाई मान लो, तो गाइज जब टेन इनवर्स एक्स को वाई मान रहे तो उसे भी तो वाई मानोगे, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है वन आता है, जैसे कि आप जानते हैं एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा, तो आपका आंसर आया वन अपॉन टू। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है आपका डी वाई ओवर सॉरी डी एक्स अपॉन में दे रखा है आपके सामने एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो देख लीजिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन दे रखा है इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो हमने क्या कर लिया इसका इसको लॉग एक्स प्लस वन को मान लिया टी के इक्वल, तो आप देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये कंडीशन आती है निकल के, तो ये निकल के आया आपके सामने। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आया, इस तरीके से आपके सामने इंटीग्रेशन फाइंड हुआ। तो बस, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो आपका जो आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, लास्ट क्वेश्चन, इसे कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या कैसे इस तरीके से वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स मान लिया, पुट कर सकते हैं इसकी जगह क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आपके सामने दे रखा हो जैसे
वन अपॉन ए दे रखा हो, ए को अगर ऊपर लेके आना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ए इनवर्स। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसको क्या मान लिया, टी के इक्वल। अब टी के इक्वल मान लिया है तो देख लीजिए इसका डीवाई ओवर डीएक्स, इसका हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कंडीशन आती है आपके सामने निकल के। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी आपके सामने पुट कर दिया, यहाँ पर टी पुट कर दिया, यहाँ वन, क्लियर। तो देखो इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, लॉग टी प्लस वन आया, और टी की वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे, टी की वैल्यू आपके सामने क्या है, ई की पावर माइनस एक्स। तो आपका जो आंसर आएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे थे और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एक्स ग्रुप में। ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन इतने टफ देते कि आप हिला नहीं पाएँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़े टफ होते हैं, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है, मतलब 60% ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, लेकिन 40% ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी तो ही आप कर पाएंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।